घर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने मंगलवार को नाबाद 201 रन की पारी खेल अपनी टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ी जीत दिलाई। इस खिलाड़ी ने चोटिल होने के बावजूद विस्फोटक पारी खेली और छक्के चौकों की बौछार कर दी। आईसीसी ने उनकी पारी का वीडियो शेयर किया है। दरअसल अफगानिस्तान के 292 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक वक्त ऑस्ट्रेलिया ने 91 रन बनाकर 7 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जो कुछ हुआ वह इतिहास बन गया। मैक्सवेल ने पैट कमिंस के 170 गेंद में नाबाद 202 रन की साझेदारी निभाई और अपनी टीम को 3 विकेट से जीत दिला दी। मैक्सवेल 128 गेंद में 201 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी पारी में उन्होंने 21 चौके और 10 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 157.3 का रहा। उनके कुछ शॉट्स तो इतने सुंदर थे कि कमेंटेटर उनकी तारीफ के बिना नहीं रह सके। वह वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले दुनिया के 9वें पुरुष क्रिकेटर बने। मैक्सवेल की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 46.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। इस ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज ने अकेले दम पर मैच जिताया और इसके बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। बल्लेबाजी के दौरान एक समय मैक्सवेल के पैर की नस भी खींच गई थी। वह तड़पते हुए मैदान पर लेट गए थे। इसके बाद फिजियो दौड़ता हुआ आया और उनका इलाज किया। उनके पैर पर पेन किलर स्प्रे भी छिड़का। इससे मैक्सवेल उठ खड़े हुए लेकिन वे ठीक से चल नहीं पा रहे थे। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने इतनी बेहतरीन स्ट्राइक की कि गेंद सीमा रेखा के पार ही जाकर रुकी। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की करने की जगह स्ट्राइक लेकर बाउंड्री लगाई। कुछ जरूर मौकों पर लंगड़ कर रन भी लिया। इस तरह वह अपनी टीम की जीत के हीरो बने। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें सुपर मैक्सवेल कहा जा रहा है। कुछ फैंस तो ये भी कह रहे हैं कि मैक्सवेल इंसान नहीं महामानव है। आईसीसी ने उनके हर एक छक्के का वीडियो और पैट कमिंग्स के साथ उनकी साझेदारी का वीडियो जारी किया है। आईसीसी ने मैक्सवेल की बैटिंग को वन मैन शो करार दिया है। उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की अफगानिस्तान के गेंदबाजों को बेदम कर दिया। जहां शुरू में अफगानिस्तान ने गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी का दम निकाल दिया तो मैक्सवेल के आगे उनकी गेंदबाजी फीकी नजर आ रही थी। राशिद खान, मोहम्मद नबी, नूर अहमद और नवीन उल हक समेत तमाम गेंदबाजों पर मैक्सवेल ने चौके छक्कों की बौछार की। मैक्सवेल की इस पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। उसके 8 मैचों में 6 जीत और 2 हार के साथ 12 अंक हैं। टीम का सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला होगा। वहीं भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं। चौथे स्थान के लिए न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टक्कर है। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 291 रन बनाए थे। इब्राहिम ज़ादरान ने 143 गेंद में 8 चौके और 3 छक्के की मदद से नाबाद 129 रन की पारी खेली थी। वह अफगानिस्तान के लिए विश्व कप में छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। वहीं राशिद खान 18 गेंद में 2 चौके और 3 छक्के की मदद से 35 रन बनाकर नाबाद रहे थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 46.5 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 293 रन बनाए। इसमें से 201 रन अकेले मैक्सवेल के थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।